कि ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हमारा हम अपनी हुकूमत से डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं? क्यों डर रही हैं इलेक्शन से? ये हमारा हम खुद अपनी दो हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के तैयार है, ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा? कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम वजीर चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं आवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूर, एक मुजरिम, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ इलेक्शन से। इन्होंने इतनी ज्यादा चोरी की है इस मुल्क की कि इनको खौफ आया हुआ है। सारी इनकी इनकम एक वन पॉइंट एजेंडा है, चोरी बचाने के लिए। पहले चोरी करो, फिर उस चोरी को बचाओ। पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, फिर चोरी बचाने में मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। इन्होंने जो अमेंडमेंट पास की है पार्लियामेंट में, इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम उसको लाइसेंस दे दिया है। आज इन्होंने नामुमकिन कर दिया है कि जो पैसे वाले आदमी आप जो चोरी करेगा, नामुमकिन है कि आप उसको पकड़ सकेंगे। नैब के कानून इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि इन्होंने लाइसेंस दे दिया चोरी के लिए। अपने आप को बचाने के लिए मुल्क का बेड़ागार किया इन्होंने। और आज सवाल क्या है कि सारी कौम को पता है, सारे जो चाहे वो इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, सबको पता है कि इस वक्त इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन।